देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र ही गणतंत्र दिवस पर लगाना जनपद पंचायत खारचोट के अफसर भूल गए। भीम आर्मी ने इस पर विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी रखने की परंपरा रही है। इस साल ये परंपरा खारचोट जनपद में पूरी नहीं की गई। कार्यक्रम में बाबा साहब का चित्र नहीं रखा गया। इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष ओमकारलाल खारचोटिया ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। इसमें खारचोट तहसील की कई ग्राम पंचायतों, स्कूलों, खारचोट थानों और शासकीय विभागों के कार्यक्रम में चित्र नहीं लगाने पर विरोध जताया गया। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने संबंधित मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी वाचन के अंदर उन्होंने बोला गया है कि हर कार्यालय या शासकीय विभाग कोई सा भी हो वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया जाए और उनका माल्यार्पण करके और बड़ा राष्ट्र पर्व बनाया जाए। कहाँ पे अनादर हुआ बाबा साहब का? ये जनपद पंचायत कार्यालय खाचीपुर में। मामला ये है कि मतलब अधिकतर कार्यालय जनपद पंचायत या जो भी शासकीय भवन होते हैं राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनादर होता है। यही मामला खारचोट जनपद पंचायत में देखने को मिला। जब हम सुबह गए जब बाबा साहब की माल्यार्पण करने तो हम वहाँ सामने कार्यक्रम चल रहा था, हमें दिखाई दिया कि वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं है। जबकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लागू करा उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर जो संविधान लागू कराने वाले का ही अनादर हो रहा है तो फिर मामले को देखते हुए हमने एडीएम साहब को जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन दिया कि जहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगा जाएगी उसको लेकर भीम आर्मी हम पूरे प्रदेश तक और पूरे देश में या शासकीय कार्यालयों में लगाने का कार्य करवाएगी और राष्ट्रीय पर्व जो भी है उन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, ऐसा हमारा ज्ञापन है। आवेदन के माध्यम से चाहते हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर्मचारी जो हैं जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जबकि उनको मामले को लेकर पहले से जानकारी थी तो उनके ऊपर एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई चाहते हैं।